कश्मीर में पुलवामा क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से का माहौल छाया हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पाकिस्तान से बदले लेने की मांग कर रही है, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा प्रदान की। एक्स आर्मी ऑफिसर, जाने उनका क्या कहना है। आतंकवादी जिस इलाके में पैदा होते वो इलाका और उसको साथ देने वाले को खत्म करना चाहिए, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। देश जो चाहे हम भी उसके साथ है, जो हमारा देश को हमारी कभी भी जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार है। हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन देश का कार्य करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी जो पुलवामा अटैक है इसके बदले में हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए कि पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में इसका उत्तर दिया जाए। पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारने की ज़रूरत है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा और उसके लिए हम रिटायर जो सेनानी है वो भी तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कदम उठाए और हम इसके लिए तैयार हैं, हम भी बदला लेंगे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। ये जो पुलगांव में जो आईडी ब्लास्ट से कार में भरकर एक्सप्लोजिव भरकर जो ब्लास्ट किया है और बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को वीरगति को जो प्राप्त हुए हैं, उसके कहने में बहुत मुझे यही कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम तो करती रहेंगी, लेकिन जो इसके अंदर भारत देश के अंदर सिद्धू जैसे और दूसरे लोग जो हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि ये लोग इस कार्रवाई को दोबारा ना कर सकें।